वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक दोस्तों। एक भाई ने कमेंट किया था कुछ दिन पहले कि आप पाइपिंग का काम करते हैं, मुझे ये बताओ कि सी एस और एस एस में क्या फर्क है। तो मेरा भाई, सी एस जो होता है कार्बन स्टील होता है और एस एस जो होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। एस एस में ज़्यादातर ड्रोमेन पाया जाता है। अगर आप भी एक अच्छा पाइप फिटर या एक अच्छा पाइप फैब्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आएँ आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको यूट्यूब के इस चैनल पर लाइव वर्क दिखाएंगे। लाइव वर्क के साथ साथ आपको पाइप फिटर और पाइप फैब्रिकेटर से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बताएंगे। एक क्लाइंट जो इंटरव्यू लेता है, एक पाइप फिटर का या फैब्रिकेटर का जब इंटरव्यू होता है, तो पाइप फिटर और फैब्रिकेटर को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी मुश्किल में आना पड़ता है, हम आपको बताएंगे कि एक क्लाइंट इंटरव्यू में क्या पूछता है, उसका क्या जवाब है, हर क्वेश्चन का जवाब आपको बताएंगे। अगर आप पाइपिंग का जॉब करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब के चैनल पे। कुछ वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ दोस्तों का कमेंट में जवाब आया, कुछ दोस्तों ने पर्सनल में मैसेज किया कि भाई अगर आप गल्फ कंट्री में हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, जहाँ भी हैं, जो काम आप करते हैं, आप पाइपिंग का काम करते हैं, तो आप हमारे लिए भी कुछ करें, हमको भी बताएं कैसे करना है, हम भी ये काम करना चाहते हैं। काम इतना मुश्किल नहीं है, जब आदमी मेहनत करता है तो अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है, आस्ता आस्ता आदमी ऊपर आता है। जब मैं सऊदी अरब में आया, मैं हेल्पर था, हेल्पर भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो किसी चीज़ का नहीं पता था, इतना था कि मुझे टूल के नाम नहीं आते थे। जिस दिन मैं सऊदी अरब में आया, मैं हेल्पर में गया, मुझे मुकम्मल टूल के नाम नहीं आते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पर में काम किया। हेल्पर के बाद मैं पाइप फिटर में आया, पाइप फिटर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाइप फैब्रिकेटर का जॉब कर रहा हूँ, फैब्रिकेशन करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसा काम करना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं पाइपिंग का, तो आप लोग हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल पर आएँ, हमारे साथ बातचीत करें, हमें कॉमेंट करें, कॉमेंट करके आप हमसे बात करें, आपको कुछ सवाल पूछें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने जो मैंने इंटरव्यू दिए, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मैं आपको उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगा कि मुझसे क्लाइंट ने, जब मैं पहली दफ़ा पाइप फिटर का इंटरव्यू देने गया तो मेरा पहला इंटरव्यू फेल हुआ था। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊँगा कि वो कैसे फेल हुआ, क्या प्रॉब्लम था, क्या पूछा उसने, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं पूछा था, इतने मुश्किल सवाल कोई नहीं किया उसने, बस करना क्या था, मालूम जो कुछ नहीं था, आता जो नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्लाइंट हमको देख के, हमारा क्या कहते हैं कि चेहरे की तरफ देख के चेहरा पढ़ लेता है कि इसने काम किया है, ये काम करने वाला आदमी है, ये काम करेगा। तो जो पहले मैंने एक दो इंटरव्यू फेल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, मैंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद मुझे कामयाबी मिली। तो आप लोग आएँ, आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। हम आपको यूट्यूब के इस चैनल पर लाइव वर्क करके दिखाएंगे, पाइप फिटर और पाइप फैब्रिकेटर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बताएंगे। पाइप फिटर फैब्रिकेटर मेरा जॉब है, मैं पाइपिंग का काम करता हूँ, पाइपिंग का काम कर रहा हूँ। अगर किसी भाई ने, किसी दोस्त ने कोई सवाल करना है, किसी चीज़ का कोई इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब अगर हम आपको बताते हैं, तो अगर आप कोई सवाल हमको पूछेंगे तो हम भी आपको बताएंगे। आप आएँ हमारे साथ, चलें हमारी वीडियो करें, देखें कौन सा वर्क हो रहा है। मैं आपको रोज़ाना की रूटीन से वीडियो अपलोड करता हूँ, पाइपिंग का काम कर रहा हूँ, पाइपिंग कैसे फिटअप करते हैं, कैसे उसका हाई लो निकालते हैं, कैसे टैकिंग करवाते हैं, कैसे वेल्डिंग करते हैं, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग सिर्फ हमारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब इस वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इंटरव्यू में एक पाइप फैब्रिकेटर से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं।